हे गाइस, वेलकम टू द चैनल तिवारी परम बैंकर्स। अभी लास्ट वीडियो में हमने जीए की स्ट्रैटेजी देखी थी एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट के लिए, जो कि आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में हो सकता है। अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, पर होने के चांसेस हैं। तो आज हम रीजनिंग की स्ट्रैटेजी देखेंगे। रीजनिंग के लिए अभी जैसा कि मैंने आपको जीए में बताया था, आपको मॉक टेस्ट अभी नहीं देना है। मॉक टेस्ट आपको सिर्फ एग्जाम की जब डेट उससे एक मंथ पहले ही देना है। उससे पहले आपके पास अच्छा खासा टाइम है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। तो मैं आपको बताता हूँ आपका डेली टारगेट्स क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक कितने कितने क्वेश्चन करने हैं आपको। मैं आपको सोर्सेज भी बताऊँगा कि आपको कहाँ से करने हैं। आपको देखिए, पहले सबसे पहले आता है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें स्टेटमेंट में अजम्पशंस और कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको डेली के क्वेश्चन 20 डेली क्वेश्चन कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको बताता हूँ, ये 3K नंबर होते हैं मेन्स एग्जाम में। ये सिर्फ कम्प्रीहेंड के, आपको सिर्फ कम्प्रीहेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस आती है तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसका आपको डेली के 20 क्वेश्चन करने हैं। पजल के आपको 4 क्वेश्चन करने हैं डेली। ब्लड रिलेशन जो मेंस में आपको पता है कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, इसके 10 क्वेश्चन डेली करने हैं। सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन करने हैं। कोडेड डायरेक्शन के 10 क्वेश्चन करने हैं। डेटा सफिशिएंसी के आप 5 से 10 क्वेश्चन डेली करेंगे। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन डेली करेंगे। कोडेड इनक्वालिटी के 5 क्वेश्चन डेली। कोडेड कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन डेली करेंगे। और इनक्वालिटी के 10 क्वेश्चन आप डेली करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी आप 10 क्वेश्चन डेली करेंगे। ये आपका डेली का टारगेट होना चाहिए रीजनिंग के लिए। और गाइस, ये आपको करने का, मैं आपको सोर्स बता दूँ, जो आपके मॉक टेस्ट होंगे, जो भी आपने मॉक टेस्ट खरीदा होगा उसको आपको करना है। आपको जो भी प्रीवियस जो पुराने मॉक टेस्ट पड़े होंगे, जैसे IBPS क्लर्क का हो चुका है, LIC का हो चुका है, PSPO वाला पुराना देख लेना, उनके मॉक टेस्ट आपको सबमिट करने हैं। उनमें से क्वेश्चन है सारे टॉपिक वाले क्वेश्चन को देख के लगाने का है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके पास फिर भी क्वेश्चन की कमी मिलती है, क्वेश्चन ना मिले तो एक साइट है PDF एग्जाम पढ़ने, उसको गूगल पे सर्च करेंगे। इसमें हर टॉपिक के आपको मतलब लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस, ये तो आपका हो गया। गाइस, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप डेली कीजिए, आपका हो जाएगा। ये तो आपकी हो गया रीजनिंग का, आपका डेली का करना है। ठीक है गाइस, इससे पहले आप हमने जीए की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, अब रीजनिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली। तो इसके बाद हम मैथ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये डेली कर कीजिए। ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, हम वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, क्योंकि आपको वीडियो देखने से नहीं, आपको पढ़ने से फायदा होगा। तो आपको डेली के टारगेट्स करते रहिए अपने। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।